नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ उसके बारे में जानेंगे। आज पूरा प्रोटोजोआ में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी स्पीसीज होते हैं, उनमें जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हम लोगों के लिए ज़रूरी हैं, जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, उनका पूरा दर्शन आप लोगों को कराएंगे एक ही वीडियो में। आप प्रोटोजोआ के कैरेक्टर के बारे में, उनकी संरचना के बारे में और ऐसे प्रोटोजोआ के बारे में जान लेंगे जिनसे हम मनुष्य में बहुत सारा रोग होता है। ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है ताकि हम लोग जो है मलेरिया जैसे रोगों से खुद को बचाव कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोटोजोआ जो कि एक फाइलम है, एक संघ है, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था और उसमें हमने बताया था कि एनिमल क्लासिफिकेशन का जो पहला संघ है या जो पहला फाइलम है वो है प्रोटोजोआ, यानी एनिमल की शुरुआत होती है प्रोटोजोआ फाइलम से। तो जब पूरे एनिमल समूह में, अगर हम पूरे एनिमल किंगडम की बात करें, तो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। और एनिमल्स क्या होते हैं, दो ही किंगडम होते हैं, मेनली दो किंगडम होते हैं, एक होता है प्लांटी का, दूसरा होता है एनिमलिया का। प्लांटी में प्लांट आते हैं और एनिमलिया में एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स वो होते हैं जो हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना पाते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन जो है स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। तो इन एनिमल्स में पहला जो फाइलम है वो प्रोटोजोआ का है। और प्रोटोजोआ कि हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में। देन प्रोटोजोआ, द वर्ड प्रोटोजोआ इज कम फ्रॉम ग्रीक प्रोटोजोन, जिसका मतलब होता है फर्स्ट एनिमल। यानी जो प्रोटोजोआ शब्द है वो एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है प्रोटोजोन का, और प्रोटोजोन का मतलब होता है पहला एनिमल, पहला जानवर। सो पूरे एनिमल किंगडम में पहला जो जानवर था, जो इस पृथ्वी पर पहली बार आने वाला जो एनिमल था, वो था प्रोटोजोआ। और सबसे पुराना या सबसे प्रिमिटिव जानवर है, इससे पहले और कोई एनिमल नहीं आए थे। आए थे जानवर, ऑर्गेनिज्म आए थे, लेकिन एनिमल नहीं आए थे। प्लांट आए थे, वायरस आए थे, बैक्टीरिया आए थे, लेकिन हम इन्हें प्रॉपर जो है एनिमल की शुरुआत जो होती है ओरिजिन एनिमल की होती है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ आते हैं, प्रोटोजोआ से ही आगे धीरे धीरे और एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है। समझे, बात समझो। देन हम बात करते हैं इनके और कैरेक्टर्स की। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है, यूनि मतलब होता है सिंगल, सेलुलर मतलब होता है सेल। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो सब के सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनका शरीर सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टीसेलुलर। अगर शरीर किसी जीव का शरीर सिर्फ एक सेल से बना हुआ है तो उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हम सब प्लांट, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर है। हम लोगों की बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो प्रोटोजोआ होते हैं, चूँकि ये प्रिमिटिव होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, बहुत ही सिंपल प्रकार के जो है ऑर्गेनिज्म हैं, सो ये यूनिसेलुलर होते हैं। यानी प्रोटोजोआ का शरीर सिंगल सेल से बना होता है। मे बी मल्टीसेलुलर, यहाँ पे लिखा हुआ कि मे बी मल्टीसेलुलर, लेकिन ये मान के चलो कि जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो सब के सब यूनिसेलुलर ही होते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो है कि यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक का हम इससे पहले सेल बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, पूरी सेल बायोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसी कोई और ऐसा कोई सेल या ऐसा कोई जीव जिसके कोशिका में, यानी जिसके सेल में न्यूक्लियस पाया जाए। दो तरह के सेल होते हैं, सेल जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और एक सेल ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जिस सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है उनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनकी सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि बहुत ही सूक्ष्म या बहुत ही छोटे आकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोन साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं। देन
प्रोटोजोआ कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज ग्रुप ऑफ अबाउट 65,000 स्पीसीज एंड मोस्ट ऑफ व्हिच आर हार्मलेस फ्री लिविंग एंड इनहेबिट्स वाटर एंड सॉयल। जो प्रोटोजोआ फाइलम है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें लगभग 65,000 स्पीसीज शामिल हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ कोई एक एनिमल थोड़ी ना है। प्रोटोजोआ जो है एक फाइलम है जिसमें लगभग 65,000 स्पीसीज शामिल हैं, और जो अधिकांश इसमें से जो हैं वो हार्मलेस फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। हार्मलेस मतलब उनसे हमें कोई नुकसान नहीं है मोस्ट ऑफ द, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो हम लोगों के शरीर में डिजीज उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग अभी इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। और ये ज़्यादातर जो है वाटर और सॉयल में पाए जाते हैं, जल में और सॉयल में पाए जाते हैं। देन आता है कि ये फ्यू स्पीसीज आर पैथोजेनिक इन नेचर एंड पैरासिटाइज मैन एंड अदर एनिमल काजिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इन्फेक्शन इन ए ईयर अराउंड द वर्ल्ड। सो हमने पहले कहा कि अधिकांश जो होते हैं वो हार्मलेस फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लेकिन फ्यू स्पीसीज जो हैं प्रोटोजोआ के वो पैथोजेनिक होते हैं और पैरासिटाइज करते हैं मैन एंड अदर एनिमल्स को। मैंस में भी बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोन है जो पैथोजेनिक होते हैं मैन के लिए, जैसे मलेरिया तो एक बहुत ही जाना पहचाना एग्जांपल है जो प्लाज्मोडियम नामक है प्रोटोजोआ से होता है। ऐसे और सारे जो है प्रोटोजोआ हैं जिनसे हम मनुष्यों में जो है ह्यूमन में जो है डिजीज होते हैं वो हम लोगों के शरीर में पैरासाइट के रूप में एंट्री करते हैं और शरीर में जो है इन्फेक्शन होता है जिससे बाद में डिजीज डेवलपमेंट होता है। हम उनके बारे में भी जानेंगे जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में भी जानेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जो है प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनका बेसिक जो फीचर है वो जान रहे हैं। देन हम और चीज़ें जानते हैं प्रोटोजोआ के थोड़ा और कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हमने कहा था कि मोस्टली जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं विद फुली फंक्शनल सेल। यूनिसेलुलर होते हैं पहले से ही कहा था कि सिंगल सेल से बने होते हैं, और फुली फंक्शनल सेल का मतलब होता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, और सेल के साथ और भी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी मिलते हैं। मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं पहले बता चुका हूँ, या फिर कुछ जो है पैरासिटिक या सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर पे रहता हो और उनसे अपना फूड प्राप्त करता हो, और जिस पे ये पैरासाइट रहते हैं उनको होस्ट कहा जाता है, और पैरासाइट के वजह से जो है होस्ट में कुछ बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, कुछ डिजीज उत्पन्न होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है ये एक ऐसे तरह का रिलेशनशिप है जिसमें जो लोग साथ में रहते हैं उन दोनों लोगों को प्रॉफिट होता है। पैरासिटिज्म में क्या था कि पैरासिटिक में होता है कि उसमें एक को प्रॉफिट होता है दूसरे को नुकसान होगा। पैरासाइट भोजन लेता है लेकिन होस्ट में जो है डिजीज हो जाता है, उसको नुकसान होता है। सिम्बायोटिक में ऐसा है कि सिम्बायोटिक में दोनों को लाभ होगा, इसको भी लाभ होगा उसको भी लाभ होगा। तो कुछ तरह के कुछ प्रोटोजोआ जो है वो सिम्बायोटिक भी होते हैं। देन हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ जो होते हैं चूंकि एनिमल हैं तो हेटरोट्रॉप्स तो होंगे ही, जितने भी एनिमल्स होते हैं सब के सब हेटरोट्रॉप्स होते हैं। और हेटरो का मतलब होता है कि वो अपने भोजन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे निर्भर हैं, क्योंकि प्लांट तो है नहीं, प्लांट होते तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उनके पास जो है फोटोसिंथेसिस वाली जो मशीनरी है वो पाई जाती है, उससे वो सनलाइट में जो है अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं जिससे फोटोसिंथेसिस हो, इसलिए प्रोटोजोआ भी अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, इसलिए उन्हें भी कहीं दूसरी जगह से भोजन की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रोटोजोआ जो होते हैं मेनली जो होता है कीमो हेटरोट्रॉप होते हैं। कीमो मतलब होता है कि ये केमिकल से डिफरेंट तरह के जो केमिकल्स होते हैं उनसे अपना भोजन सिंथेसाइज कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसको जो है यूज कर लेते हैं। देन They are motile and have locomotive organelles. चूँकि ये भी एनिमल है तो अधिकांश एनिमल जो होते हैं सब के सब मोटाइल होते हैं, मतलब चलते फिरते ऑर्गेनिज्म है। प्लांट के साथ क्या दिक्कत है कि अधिकांश प्लांट जो होते हैं वो रूटेड होते हैं, जमीन में जो है गड़े होते हैं, एक जगह पे स्थिर रहते हैं, और एनिमल्स का एक जो अधिकांश एनिमल्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो प्रोटोजोआ भी मोटाइल होते हैं यानी चलते फिरते ऑर्गेनिज्म है, और
जैसे हम लोगों में चलने के लिए पैर पाए जाते हैं, वैसे ही प्रोटोजोआ में भी चलने के लिए कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कुछ में फ्लैजेला पाया जाता है और कुछ में सीलिया पाया जाता है। इसके अलावा सूडोपोडिया भी है जिसकी मदद से वह चलते हैं। फ्लैजेला कुछ नहीं होता, एक लंबे लंबे जो है धागे जैसी संरचना होती है, और सीलिया जो है फ्लैजेला की जैसा होता है लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा होता है। अभी हम लोग बाद में देख लेंगे कि क्या होते हैं फ्लैजेला और सीलिया। देन हम बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। और अब हमने कहा था कि आप लोगों को मैं जो है प्रोटोजोआ के कई सारे स्पीसीज का दर्शन कराऊंगा, तो चलिए दर्शन आप लोग करिए। ये जो आपको दिख रहा है ये बड़ा सा, किसी को पता है कि ये कौन सा प्रोटोजोआ है? इसका नाम है पैरामीसियम। क्या नाम है? पैरामीसियम। इसे पैरामीसियम कहते हैं। यह है पैरामीसियम। पैरामीसियम एक तरह का प्रोटोजोआ है और इसे स्लीपर एनिमल क्यूल कहा जाता है। स्लीपर मतलब चप्पल जैसा दिखता है, इसलिए इसे स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं। और जो पैरामीसियम है वो एक तरह का प्रोटोजोआ है। चलिए फिर और कुछ देखते हैं। इसे शायद आप लोग जानते हों, इसका नाम है अमीबा। अमीबा जो है ये भी एक तरह का प्रोटोजोआ है, और अमीबा की खास बात ये होती है कि इसमें सूडोपोडिया पाए जाते हैं। ये जो हैं सूडोपोडिया पाए जाते हैं, जो जितने भी उभार निकले हुए हैं ये सब के सब अमीबा के सूडोपोडिया हैं, और इस सूडोपोडिया के मदद से ही अमीबा मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता है। और दूसरी एक चीज़ है, जो अमीबा होते हैं इनका शेप जो है इररेगुलर होता है, निश्चित आकार नहीं होता, ये अपना शेप बदलते रहते हैं। कभी आपको इस रूप में दिखेंगे, थोड़ी ही समय में ये अपना रूप बदल के इस तरह हो जाएंगे, फिर तो है थोड़ी सारा बाद दूसरा स्टेप ले लेंगे। तो अमीबा जो है इररेगुलर शेप के होते हैं, कोई उनका निश्चित आकार नहीं होता है, और चलने के लिए इनमें सूडोपोडिया पाया जाता है। ये सूडोपोडिया है पाया जाता है। यहाँ पे जो था पैरामीसियम में, पैरामीसियम में जो आपको धागे जैसी संरचना मिल रही है, दिख रही है सरफेस पे, इसे सीलिया कहते हैं। और इस सीलिया के मदद से ही, यहाँ पे लिखा हुआ ना सीलिया, सीलिया के मदद से ही पैरामीसियम मूवमेंट करता है। पैरामीसियम किससे घूम, एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, सूडोपोडिया की जगह, सीलिया की जगह। और सीलिया क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं, तो ये जो है इसी सीलिया को जो है पर की तरह यूज करते हैं, और उसकी मदद से पैरामीसियम आगे बढ़ता है। अमीबा जो है अपने मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसमें सीलिया या फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। देन युगलीना, ये है युगलीना, और युगलीना जो है ये भी एक प्रोटोजोआ है, और अपने मूवमेंट के लिए ये फ्लैजेलम का इस्तेमाल करता है, फ्लैजेला का इस्तेमाल करता है। ये बड़ा सा धागा जैसा संरचना, ये क्या है? जैसे हम लोगों में पैर होता है चलने फिरने के लिए, वैसे युगलीना में फ्लैजेला पाया जाता है जिसकी मदद से वो मूवमेंट करता है। और युगलीना की एक खास बात और है जिसे आप लोगों को जानना चाहिए, वो ये है कि युगलीना को एनिमल और प्लांट का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। देखिए, अगर आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से अगर देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट। तो अब ये बताओ कि क्या एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? प्लांट में तो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने प्लांट सेल जब हम पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि प्लांट सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नामक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी मदद से जो है जितने भी प्लांट होते हैं सनलाइट को कैप्चर करते हैं और अपने लिए जो है ग्लूकोज या फूड का निर्माण करते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि युगलीना एक प्रोटोजोआ है भाई, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आ गया? और अगर क्लोरोप्लास्ट है तब तो ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है। हाँ, जरूर बना सकता है। युगलीना के साथ समस्या ये है कि बॉटनी वाले इसे अपना मानते हैं, यानी एल्गी मानते हैं, और जूलॉजी वाले इसे अपना मानते हैं, क्योंकि इनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। युगलीना ही एक ऐसा जीव है जिसमें प्लांट के भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं और एनिमल के भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए जूलॉजी वाले भी इसे अपने में रख लेते हैं और बॉटनी वाले भी अपने में रखते हैं। आगे देखते हैं। हमने कहा था कि हम जो है बाद में देखेंगे कि डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, यानी हम कुछ ऐसे प्रोटोजोआ के नाम देखते हैं जिनकी वजह से हम मनुष्यों में डिजीज होते हैं, रोग होते हैं। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण रोग है जिससे पूरी दुनिया परेशान है, वो है मलेरिया। और मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है।
प्लाज्मोडियम की ढेर सारी स्पीसीज हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओबेल, प्लाज्मोडियम बाईबैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये सब प्लाज्मोडियम की ढेर सारी स्पीसीज हैं। सो प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोवा जो की काज करता है मलेरिया। और ये जो मलेरिया होता है किससे फैलता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से। जो मादा मॉस्किटो होती है, एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, वो मलेरिया का कैरियर होता है, वाहक होता है, यानी मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। लेकिन मलेरिया रोग किस वजह से होता है? उसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है। देन एक और डिजीज जो हम लोगों में होता है वो है डायरिया, जिसे जीआरडीएसिस कहते हैं। जीआरडीएसिस जो है एक तरह का डायरिया है, और ये जीआरडिया इंटेस्टाइनलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। कुछ नाम आप लोगों को याद रख लीजिए, यानी जीआरडिया, जीआरडिया से जीआरडीएसिस नामक जो है डिजीज हम लोगों में होता है, जो कि एक तरह का डायरिया है। इसी प्रकार अमीबिक डाइसेंट्री, अमीबिक पेंचिस या अमीबिक डाइसेंट्री जो होता है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। देन टोक्सोप्लाज्मोसिस जो है, ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई नामक प्रोटोजोआ से होता है। और इसमें, इस रोग में जो है, शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है। एक और रोग है जिसका नाम है क्रिप्टोस्पोरीडियोसिस, ये क्रिप्टोस्पोरीडिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। देन ये लास्ट वाले दो एग्जांपल जो हैं, इनको याद रखना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। एक तो आप मलेरिया तो याद ही रखेंगे, दूसरा इन दोनों को याद रखेंगे। एक है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस मतलब कुंभकर्ण वाली रोग, स्लीपिंग सिकनेस यानी कुंभकर्ण वाला रोग। स्लीपिंग सिकनेस से जिस भी व्यक्ति में स्लीपिंग सिकनेस होता है वो दिन रात सोता ही रहता है, और ये रोग जो होता है ये ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से मनुष्यों में स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग होता है, और ये रोग फैलता है सीसी फ्लाई, जो स्लीपिंग सिकनेस है वो सीसी फ्लाई जो है एक मक्खी है, सीसी फ्लाई, उसके द्वारा जो है स्लीपिंग सिकनेस को फैलाया जाता है। देन एक और लास्ट है लीशमानियासिस, जिसे हम लोग बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल में कालाजार कहते हैं लीशमानियासिस को, और ये लीशमानिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार का मतलब है काला जहर, जिसे भी कालाजार होता है उसका शरीर जो होता है काला पड़ जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कालाजार, यानी काला जहर, काला जहर यानी कालाजार। और जिसको भी ये होता है उसका शरीर काला पड़ जाता है, और अगर इलाज नहीं किया जाता है तो मृत्यु भी हो सकती है। तो कालाजार या लीशमानियासिस जो होता है वो लीशमानिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। ये सारी चीज़ हो गई प्रोटोजोआ के बारे में। चूँकि ये बहुत ही प्रिमिटिव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटे साइज के हैं, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलता है, हम लोग इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। सो आज आप लोगों को जो है ये पता चल गया है कि प्रोटोजोआ भी हम लोगों की तरह एनिमल्स ही हैं, और इन्हीं से ही धीरे धीरे चलकर हम लोगों का विकास हुआ है। अगला फाइलम हम लोग पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में।